एक शख्स जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था और उसके चार बेटे थे। जो सबसे छोटा बेटा था उसने अपने दूसरे तीन भाइयों को जमा किया और एक अजीब सा फैसला उन लोगों के सामने रखा। कहा, देखो वालिद बीमारी से जंग लड़ रहे और उन्हें खिदमत की जरूरत है। कहा, फैसला यह है कि अगर बाप की खिदमत मैं करूं तो वरासत से मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा और अगर बाप की खिदमत तुम करो तो तुम्हें वरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। तीनों ने नजरें मिलाई, कहा बाप तुम्हारा, और इसकी आरजू भी यही थी कि मैं बाप की खिदमत करूं। मेरे आका फरमाते, इसने इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, जब वालिद दुनिया से जाने लगा, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि जा पुत्र तेनु सत्ते ही हैरान है, जब दुनिया से उसका वालिद गया तो उस पर राजी गया। जिंदगी की बहारे लैलो नहार करवटे बदलते रहे, अल इख्तसार एक शब वो सोया और ख्वाब में कोई अल्लाह का बंदा मिला। उसने कहा कि फला शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है, जाओ उठाओ और ले आओ। वो कहता है कि आया कि उसमें बरकत है, क्योंकि कसरत और है बरकत और है। कहा, उसमें बरकत नहीं है। सुबह उठ के वो ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया तो बीवी ने कहा, घर के हालात आपके सामने हैं, हमारे घर में फाके हैं, तो जाए और जाके उठा लें। कहा, नहीं जाऊंगा। वो फरमाते, मैं दूसरे दिन फिर सोया तो मुझे वही बुजुर्ग मिले। कहा, बेटे वहां 10 दिरहम पड़े हैं। कहा, बरकत है? कहा, बरकत नहीं है। तीसरे दिन फिर मिले। कहा, वहां 1 दिरहम पड़ा है। कहा, बरकत है? कहा, हां उसमें बरकत है। गए और वहां 1 दिरहम पड़ा था, उठाया और बाजार चले गए और वहां एक शख्स आवाज दे रहा था, 1 दिरहम में 2 मछलियां। कहते, मैंने दिरहम दिया और मछलियां लेके घर आ गए और उनके पेट चाक किए और दोनों से एक एक कीमती मोती निकला। वो मोती लेके बाजार गया, सुनार को दिखाया तो उसने कहा, पूरे बाजार में इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। भला जमाना था, आज तो दा लगा लेते हैं ना। कहा, पूरे बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। ये बात बादशाह वक्त तक पहुंची। उसने जवाहरी बुलाए और कहा, इस मोती की कीमत लगाओ। सुनो दोस्तों, उस मोती की कीमत 1000 दिरहम, 10000 दिरहम, 1,00,000 दिरहम नहीं, उस एक मोती की कीमत 30 खच्चर। उन पे जितना सोना लाद लिया जाए उस एक मोती की कीमत तय पाती है। वो घर ले गया। बादशाह ने फिर तलब किया, तेरे पास कोई और इस तरह का मोती है? कहा, हां है। कहा, बेचते हो? कहा, हां बेचता हूं। कीमत क्या लोगे? कहा, अब डबल लूंगा। पहले रेट तुम्हारी मर्जी का था, अब मेरी मर्जी का। कहा, डबल लूंगा। उसने फिर 60 खच्चर उन पे सोना लाद के उसको दे दिया। उस शहर का बादशाह के बाद सबसे अमीर आदमी वो बना। कौन? जिसने बूढ़े बाप की खिदमत की। जिसने बाप की खिदमत की वो शहर का अमीर शख्स बना। और दोस्तों, दौलत ही सब कुछ नहीं, मां बाप बहुत बड़ी दौलत है। जब वरासत तकसीम होती है ना, तो भाई कोई कहता है, वो कॉर्नर वाला प्लाट मेरा, फला फैक्ट्री तेरी, जायदाद तकसीम हुई तो जो है वो एक दूसरे को कहा, तेरी वो और मेरी वो। और जब बूढ़े मां बाप की बारी आती है तो उस वक्त तमाशा देखने वाला होता है। वहां हर बेटे की आरजू ये होती है कि यार ये बाप दूसरे भाई के खाते में चला जाए ना, तो मैं थोड़ा सा आसूदा हो जाऊंगा। अब कोई कहता है, एक महीना तुम मेरा दरा निकालो ना, मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे खर्चे ज्यादा हैं। और बचपन में वो 500 की दिहाड़ी लगाता था और उसके 5 भाई थे। तुम, उसने ऐसा तो नहीं किया कि तुम्हें दारुल अमान में छोड़ आया हो? ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी के आगे तुम्हें बेच आया हो? वो 8 से 18 घंटे काम करता रहा हमारे लिए। और आज विरासत तकसीम हुई तो कहा, बाप तेरा, माँ तेरी, तेरा कुछ नहीं लगता। वो हमारे लिए इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मोहब्बतें बांटी। आज की इस बज़्म में मैं और आप अज़्म करें कि आज के बाद हम माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। माँ बाप नाराज है तो अभी जाके उनसे माजरत कर ले। यकीन जाने एक लम्हा लगता है। मैं पिछले दिनों टोबा टेक सिंह एक जगह खिताब करने गया तो वो बच्चा मुझे दलाइल देने लगा कि वालिदैन की ज्यादती है। बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगा, लेकिन मैंने उसके दिल के दरवाजे पे दस्तक दी। अल्लाह का शुक्र है कि वहां झटका लगा और वो मुझे कहता वो नहीं मानेंगे। मैंने कहा, जाओ तो सही यार। वो कहते, मैं कल जाऊंगा, मैं जिंदगी वफा करे ना करे, जाओ यार। वो 10 मिनट बाद वापस आया। वो कहते, यार ये तो कायनात ही अजीब सी है। मैं बस जाके हाथ बांध के खड़ा हुआ हूं और मुझे मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा लिया।
ये बड़े कमाल के लोग हैं, एक बार मिलेंगे दोबारा नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।